जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की जिन लोगों ने या तो ऑन डिमांड एग्जाम NIOS में एडमिशन लिया है या फिर स्ट्रीम टू में एडमिशन लिया है। ऐसे वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने TOC लिया है, TOC यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी आपने कोई भी अपने किसी अदर बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से या फिर इवन NIOS बोर्ड में जिसमें आप जो है पास हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो जो पास वाले सब्जेक्ट है उसमें से दो या एक सब्जेक्ट जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट TOC ले रहे हैं, तो उनको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो फेल वाली अदर बोर्ड की मार्कशीट है उस मार्कशीट को कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कब सबमिट करना है और क्यों ये बहुत जरूरी है सबमिट करना, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि TOC वाले स्टूडेंट्स को TMA के साथ में क्या करना होता है और TMA वाले चैप्टर्स के साथ में क्या करना होता है। तो आज के मेरे पूरे इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है VCIC गुरुजी। इस चैनल को इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने जो है आपका प्यार जो दिया है उसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मोस्टली कमेंट्स हमें ये मिलते हैं कि सर आपका चैनल जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल होता है जिसमें जो है फालतू की कोई भी बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई जाती हैं और हमारे डाउट क्लियर होते हैं। तो ऐसे कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की जो लोग ऑन डिमांड एग्जाम्स के माध्यम से या फिर स्ट्रीम टू के माध्यम से NIOS में रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर आपने एग्जाम दे भी दिया है ऑन डिमांड का और अब आपको ये पता चला है कि जो TOC आपने लिया है वो TOC यानी कि वो एक या दो सब्जेक्ट आपके NIOS बोर्ड में तब ट्रांसफर होते हैं जब आपकी फेल वाली मार्कशीट जो क्लास 12th की या 10th की जो फेल मार्कशीट आपकी है उस मार्कशीट को आपको सबमिट कराना होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कहां पर यह सबमिट होती है। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अगर रीजनल सेंटर आपके अप्रोच में है, यानी कि आप जा सकते हैं क्योंकि रीजनल सेंटर स्टेट में एक ही होता है, अगर आप जा सकते हैं, पॉसिबल है कि आप जो है उसे जा सकते हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस तो यही रहेगा कि आप अपने रीजनल सेंटर में जाइए। उस मार्कशीट का आपको दो काम जरूर करने हैं। सबसे पहले अपनी ओरिजिनल मार्कशीट में बैक साइड में पेन से अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करिए, जो भी आपको एनरोलमेंट नंबर इशू हुआ है, पहला काम। दूसरा, उसकी एक इमेज खींच के अपने पास सेव कर लीजिए, कहीं पर भी अपने पास सेव करके उसको जरूर रख लीजिए, चाहे स्कैन कॉपी या उसकी एक इमेज। और तीसरा यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जब आप इसको सबमिट करने अपने रीजनल सेंटर में जाएं तो एक फोटो कॉपी कराएं और उस फोटो कॉपी में रीजनल सेंटर वालों से रिसीविंग ले लें कि हमने आज की डेट में ये अपनी ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट कर दिया। एक बार रिसीविंग लेने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिसीविंग होने से हम फ्यूचर में अगर हमारा TOC नहीं होता है तो हम NIOS से कंप्लेन करके अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन अगर रिसीविंग नहीं होगी आपके पास तो हम किसी भी हालत में उनसे नहीं बोल सकते हैं कि हमने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करी हो। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है रीजनल सेंटर बहुत ही दूर है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 200, 250, 300 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए NIOS के हेडक्वार्टर में आप बाय पोस्ट जो है इसको भेज सकते हैं। अब NIOS का हेडक्वार्टर का एड्रेस क्या है और क्या वो रूम नंबर है जहाँ पे आपको भेजना है, तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए स्क्रीन में, ये आपका जो है एड्रेस है NIOS का हेडक्वार्टर का और रूम नंबर भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है जहाँ पे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जाती है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो जो है बाय हैंड नहीं सबमिट कर सकते हैं, बाय पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। बाय पोस्ट आप रजिस्टर्ड पोस्ट से करिएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट होने के बाद एक आपको जो है आईडी ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, उसको अपने पास जरूर संभाल के रख लीजिएगा, इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो उसको यूज करेंगे। तो इस एड्रेस को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार स्क्रीन में भी आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस एड्रेस पे आप उसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। अगली बात मैं ये कर रहा हूँ कि क्यों ये जरूरी है कि TOC वाले स्टूडेंट्स को ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट करनी होती है NIOS को। तो देखिए NIOS ये कहता है कि अगर आपने किसी भी बोर्ड में एग्जाम दिया है पहले, तो वो वाली मार्कशीट और जो हम NIOS नई मार्कशीट इशू करेगा, दोनों मार्कशीट आप नहीं रख सकते हैं।
तो आपको क्या करना होगा कि अपनी जो फेल मार्कशीट है वो सबमिट कर दी। उसके बाद जब आप यहाँ से 3 एग्जाम या 4 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो और 2 या 1 आपके ट्रांसफर हो जाते हैं और आपके 5वां सब्जेक्ट क्वालिफाई हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो फिर एनओएस आपके जो है पूरी तरीके से आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसमें आपके जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, कम आपकी मार्कशीट आ जाती है, साथ साथ में आपका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिल जाता है। तो यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एनओएस तब देता है जब प्रॉपरली टीओसी हो जाए। जनरली गाइडलाइंस तो यह है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है विद इन 10 डेज 10 दिन के भीतर भीतर आपको ये मार्कशीट अपनी सबमिट करनी होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम भर दिया है लेकिन अभी तक सीबीएसई या अदर बोर्ड से उनको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है, तो ऐसे स्टूडेंट वेट करिए, जैसे ही आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट आती है उसको तुरंत सबमिट कराइए, क्योंकि कुछ डेट जाने के बाद यहाँ पर एनआईओएस आपसे लेट फीस चार्ज करता है टीओसी की, अगर आपका टीओसी नहीं हो। और लेट फीस की तो बात बाद में है, अगर आपके मार्क्स ही ट्रांसफर नहीं होते हैं तो फिर एक ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है उस मार्क्स को ट्रांसफर कराने में। तो पहले से ही सतर्क रहिए ताकि आपके जो है फर्स्ट टाइम में जैसे रिजल्ट आए आपके मार्क्स जो है आपकी मार्कशीट में ट्रांसफर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर 2-3 महीने का प्रोसेस चलेगा, हो सकता है कि उस दौरान जो है आपका जो है कोई जहां पर अप्लाई करना हो उसका डेट एक्सपायर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन ना आने दें। तो ये सारी बातें मैं इसलिए ऑन डिमांड और स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट को बता रहा हूँ। साथ साथ में TMA ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, आप सभी को बता दूं अगर NIOS में किसी भी स्टूडेंट ने TOC लिया है तो उनको ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट सबमिट नहीं कराने होते हैं, आपके डैशबोर्ड में ही ऑप्शन नहीं दिखाएगा ऑनलाइन सबमिट करने का, तो TMA आपको नहीं बनाने हैं। हाँ, प्रैक्टिकल अगर आप देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जरूर होगा। साथ साथ में ऑन डिमांड स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर जो हमारे पास सिलेबस आया है उसमें TMA वाले चैप्टर हैं, क्या हमें पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं? तो मैं बताऊं, ऑन डिमांड और स्ट्रीम 2 वाले स्टूडेंट जो भी हैं उनको, स्पेशली ऑन डिमांड स्टूडेंट्स को सारे चैप्टर रीड आउट करने हैं, क्योंकि TMA आपने नहीं बनाया है, आपका क्वेश्चन पेपर अलग पैटर्न का होता है, तो आपको सभी चैप्टर्स की तैयारी करनी है ताकि आपके जो है सही तरीके से मार्क्स आ पाए और आप क्वालिफाई कर सको। तो ये था हमारी आज की जानकारी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक तो जरूर दे दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन जब देते हैं तो सर उसके रिटर्न में एक लाइक मांगते हैं आपसे, और इसी तरीके से चैनल को बढ़ाते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और नए नए वीडियोस के साथ आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।